इंडिया 24/7 के संपादक वासिंदर मिश्र से खास बातचीत में बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और लखनऊ के मेयर दिनेश शर्मा का कहना है कि भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस और विकास के मुद्दे पर बीजेपी पूरी मजबूती से खड़ी है और सरकार के दो साल के कार्यकाल में इसकी झलक भी दिखाई देती है। सत्ता में आने के लिए, सत्ता में बने रहने के लिए जिस तरह के समझौते सैद्धांतिक और राजनैतिक आपकी पार्टी और आपका नेतृत्व कर रहा है, ये क्या पार्टी का जो मूल दर्शन है उसके अनुरूप है? आज तक बीजेपी ने कोई भी ऐसा अनैतिक समझौता नहीं किया है जिससे उसको शर्म उठानी पड़े। समय के अनुसार परिवर्तन की जो दशाएं हैं उनमें जो बीजेपी की रीति नीति संगठन के जो प्राथमिकताएं हैं उसको जो मानता है उसके आधार पर हम लोग काम करते हैं। और मैं समझता हूँ बीजेपी ने कभी भी अपना जो मूल मुद्दा है विकास और दूसरा है कि जीरो टॉलरेंस भ्रष्टाचार के ऊपर, उसमें बीजेपी कहीं भी पीछे नहीं हटी है। और इसका यही कारण है कि दो साल हो जाने के बावजूद एक भी आरोप बीजेपी के सरकार के किसी भी मंत्री पर नहीं लगा। दिनेश शर्मा ने कहा कि केंद्र सरकार पंडित दीनदयाल की मूल अवधारणा के मुताबिक चल रही है और विरोधी सरकारी योजनाओं को लेकर दुष्प्रचार कर रहे हैं। अब आपकी सरकार FDI 100% कर दी तमाम सेक्टर्स में, तो इसे इम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा कि घटेगा? इसे विदेशी पूंजी निवेश आने के साथ जो स्वदेशी का जो अवधारणा था पंडित दीनदयाल उपाध्याय का, गांधी का, उस अवधारणा का क्या होगा? मैं समझता हूँ ये दीनदयाल उपाध्याय जी का जो एकात्म मानववाद दर्शन है उसी का ही उसमें मूल वाक्य था कि जो बाहर की चीजें हैं कि वॉलमार्ट वगैरह को इंडिया में लाओ। मैं आपको वही क्लियर कर रहा हूँ, वो स्पष्ट कथन उनका था कि जो बाहर की चीजें हैं और अच्छी हैं तो उनको देशानुकूल बनाओ, जो अपनी चीजें उनको युगानुकूल बनाओ। यानी हमको स्वदेशी को पूरी तरह अपनाना है लेकिन स्वदेशी में भी हमको अगर कोई बाहर की अच्छी चीज़ मिलती है तो उसको समाहित करना है। जहाँ तक FDI का प्रश्न है, FDI पहले उनके शर्तों पे हो रही थी, अब हमने अपनी स्वदेशीकरण के बहुत सी चीज़ें आपके हथियारों की चीज़ों देखिए आज मिसाइल लॉन्च हो रहे हैं, हमारे यहाँ के लोग अपनी विदेशी टेक्निक में अपनी टेक्निक को मिलाकर लॉन्च कर रहे हैं। हम अपनी टेक्निक को बढ़ा रहे हैं और दूसरों चीज़ की अच्छी चीज़ को रख रहे हैं, ये हमने FDI में भी किया है। हमने तमाम शर्तों को जिसे जो आपका इसका मूल्य था कृषि एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स का जो एक क्राइटेरिया तय किया था पिछले उसमें WTO में कि उन्होंने निर्धारित किया कि इसका मूल्य जो है वो निर्धारण करने का अधिकार विदेशों को के अनुमति के बगैर नहीं होगा, हमने उसको उसका विरोध किया। तो हमने परिवर्तन करके अपनी शर्तों में देशानुकूल बना के उन नीतियों को लागू करने का काम किया जो दीनदयाल उपाध्याय जी की मूल अवधारणा के अनुकूल है। यूपी में बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच पोस्टर वॉर शुरू हो गया है। बस्ती में SP सरकार पर तंज कसते हुए कई विवादित पोस्टर लगाए गए हैं। इन पोस्टर्स में बीजेपी ने कानून व्यवस्था, लूटपाट, सांप्रदायिकता जैसे मुद्दों को लेकर अखिलेश सरकार पर निशाना साधा है, तो वहीं समाजवादी पार्टी के नेताओं ने इन पोस्टर्स पर विरोध जताया है, जिसके बाद बीजेपी सांसद हरीश द्विवेदी के प्रतिनिधि आशीष शुक्ला समेत 2 नामजद और 3 अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। शहर में लगाए गए विवादित पोस्टर्स को भी जिला प्रशासन ने हटवा दिया है। उधर बीजेपी सांसद हरीश द्विवेदी का ये कहना है कि उन्हें इन पोस्टर्स के बारे में कोई जानकारी नहीं है, लेकिन हर किसी को कार्टून के जरिए अभिव्यक्ति की आज़ादी है। उन्होंने ये भी कहा कि यूपी में हालात बेकाबू हैं। जनमानस में आक्रोश की भावना हुई, वर्ग विभेद की जो है और माहौल को ख़राब करने की कोशिश की गई जो है एक पक्ष द्वारा दूसरे पक्ष के विरुद्ध जो है, तो उसके संबंधित धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है। कितने लोगों को? अब ये तो वहाँ से जानकारी हो सकती है कितने लोगों, तो विवेचना का प्रश्न है कि किसने लगाया, किसने पोस्टर लगाया, कहाँ से प्रिंट हुआ, ये सभी लोग जो है मुझे उसके पार्ट हुए। देखिए जब युद्ध के मैदान में हम जाते हैं तो निश्चित रूप से सत्य की विजय कैसे हो इसके लिए हमको जो करना होगा वो करेंगे। प्रवर्तन निदेशालय ने YSR कांग्रेस के अध्यक्ष जगन मोहन रेड्डी की 749 करोड़ की संपत्ति जब्त कर ली है। मनी लॉन्ड्रिंग केस में ये संपत्ति सीज की गई है। CBI की ओर से दायर की गई चार्जशीट के बाद ED ने जांच शुरू की थी, जिसमें आंध्र प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री YSR
YS राजशेखर रेड्डी के बेटे जगन रेड्डी पर गंभीर धोखाधड़ी के आरोप लगे थे। ईडी के मुताबिक जगन ने अपनी समूह की कंपनियों के माध्यम से बड़े पैमाने पर वित्तीय गड़बड़ी की थी। हैदराबाद में एनआईए ने आतंकी बड़ी साजिश का पर्दाफाश किया है। एनआईए की टीम ने पुराने हैदराबाद शहर में अलग अलग ठिकानों पर छापेमारी की और 11 संदिग्धों को यहां से पकड़ा है। सभी आरोपियों से पूछताछ के बाद एनआईए ने 11 में से 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। एनआईए के मुताबिक गिरफ्तार किए गए आरोपी हैदराबाद में मॉल्स, धार्मिक स्थल और भीड़ भाड़ वाली जगहों पर हमले की साजिश तैयार कर रहे थे। पुलिस को संदिग्धों के पास से 2 चाइनीज पिस्टल, हथियार और विस्फोटक बरामद हुए हैं। जांच के दौरान यह खुलासा हुआ है कि सभी संदिग्ध सीरिया में आईएसआईएस के संपर्क में थे। एक सफलता मान सकता है क्योंकि इंटेलिजेंस इनपुट्स के बेसिस पे ही ऑपरेशन हुआ है और 11 में से कितने को अरेस्ट होगा फॉर्मली वो जानकारी होने के बाद आपको फिर बता देंगे। हैदराबाद में गिरफ्तार किए गए इन संदिग्धों का पीछा सुरक्षा एजेंसियां पिछले 3 महीने से कर रही थी। पिछले 10 दिनों में इन लोगों की कई फोन कॉल्स को ट्रेस किया गया था। सूत्रों के मुताबिक एजेंसियों ने 26 जून को मुख्य संदिग्ध अब्दुल कदीर की 50 सेकंड की कॉल ट्रेस की है। इस कॉल में कदीर 4 भैंस और 4 गाय के इंतजाम करने की बात कह रहा है और इसके साथ ही 27 जून तक 7 और गाय के इंतजाम की बात भी कदीर ने इसी कॉल में कही है। जाहिर है ये कोड है। एक और कन्वर्सेशन को ट्रेस किया गया है जिसमें यह कहा गया है कि काम को अंजाम देने के लिए हम तैयार हैं। इसके अलावा एक कॉल में संदिग्ध कह रहा है कि शेर की मुंडी को कॉपी किया जाए और 200 लीटर हाइड्रोजन पेरोक्साइड का इंतजाम किया जाए।